माता की। डॉक्टर बाबा साहब कैबिनेट मिनिस्टर श्री भानुबेन बाबाई नु स्वागत कर देश के सभी नागरिकों के जीवन का मूल मंत्र ये भारतीय संविधान है। आज 26 नवंबर को खास तौर पे संविधान के 75वें साल के उजवनी के भाग रूप में गुजरात के सभी शहर एवं गांवों में सरकारी तंत्र और सामाजिक संस्थाएं साथ में मिलकर संविधान दिवस की संविधान दिवस को एक पैदल यात्रा के माध्यम से बनाई जा रही है। लाखों की संख्या में लोग गुजरात के अलग अलग कार्यक्रम में आज जुड़े हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करके हर जगह ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मैं राज्य के सभी नागरिकों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर्ष भाई, नेता विपक्ष हमेशा संविधान की बात करते हैं कि संविधान खतरे में है और लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा उठाया गया था, भाजपा सरकार को खतरे में खड़ा किया गया था कि सरकार जो है संविधान का पालन नहीं कर रही। देखिए, नेता विपक्ष श्रीमान राहुल गांधी को खासतौर पर कांग्रेस में भी कोई सीरियसली नहीं लेते। संविधान की बातें करने वाले ये महामई से आप खाली हिंदी में संविधान बुलवा और लिखवा लीजिए। संविधान की किताबें ले लेके अलग अलग सभाओं में घूमने वाले ये महोदय की एक पोल उनके ही कार्यकर्ता ने जनता के सामने पेश की थी। किताब के कवर पेज पे संविधान और अंदर के सभी पन्ने जो खाली थे, और खास तौर पे कांग्रेस को संविधान के बारे में बात करने का किसी भी प्रकार का हक नहीं है। कांग्रेस के शासन में किस प्रकार से संविधान के धजिया उड़ाए गए थे, आज भी देश की जनता उसे भूली नहीं है। संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान को हमेशा सम्मान देने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार मानता हूं, जिन्होंने देश के युवा नागरिकों को संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागृति मिले उसके लिए संविधान दिन की देश भर में उसकी उजवनी की शुरुआत की। उसी के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को देश के युवा वर्ग तक उनके विचार पहुंचे उसके लिए अनेक योजना एवं खुद संविधान के सबसे बड़े रक्षक के तौर पे हमेशा
संविधान के देश के प्रत्येक नागरिक तक संविधान के संपूर्ण माहिती मिले उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने स्वयं हमेशा प्रयास किया।